हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशा लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे गुरुद्वारा स्टाइल आटे का हलवा, जो कि कड़ा प्रसाद हम कहते हैं, उसी का हलवा हम शेयर करेंगे। और ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस बार। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट जो गुरुद्वारे में हम हलवा खाते हैं बिना ड्राई फ्रूट्स, एकदम अच्छा बिल्कुल वैसा ही हलवा आपको मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें पूरे अच्छे से मैंने मेजरमेंट बताया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे और ये एक कटोरी पूरी फुल भर के मैंने घी लिया है। अब जो आगे जो भी मेज़रमेंट है ये बिल्कुल सेम कटोरी से होगा। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो हम इसी सेम कटोरी से लेंगे एक फुल कटोरी गेहूं का आटा। तो अब हमने यही सेम कटोरी से गेहूं का आटा ले लिया और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी ये बिल्कुल कच्चा है। और इस आटे को जितना अच्छे से आप भूनेंगे एकदम ब्राउन होने तक, उतना अच्छा हमारा कड़ा प्रसाद बनता है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही रखना है और काफ़ी अच्छे से भूनना है। जितना टाइम देंगे आप इसे, उतना ही अच्छा हलवा बनकर रेडी होगा आपका। मतलब कि गुरुद्वारे में भी काफ़ी अच्छे से एकदम दिल से लगे रहते हैं और वो बहुत अच्छा बनता है इसीलिए। तो ये देखिए, 5 से 7 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो गया है, कितना अच्छा ये बना है। उसके बाद मैं ये ब्राउन कलर होते ही मैंने इसमें पानी डाल दिया और पानी भी सेम वही कटोरी से, लेकिन यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे कि हमने एक कटोरी आटा लिया है तो हम यहाँ पे 2 कटोरी पानी डालेंगे। और देखिए, पानी डालने के बाद मिक्स करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे चीनी, और चीनी भी हम यहाँ पे सेम एक कटोरी उसी कटोरी से लेंगे जिससे हमने गेहूं का आटा घी और पानी लिया है। तो चीनी भी हम उसी से लेंगे। अगर आप सेम क्वांटिटी में चीनी डालेंगे इसमें, जितना आटा उतनी चीनी, तो जो इसका चीनी का टेस्ट है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट जैसे गुरुद्वारे में होता है वैसे ही होता है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बिकॉज एकदम मीठा नहीं होगा ये। हाँ, अगर आपको उससे भी कम मीठा पसंद है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं चीनी को यहाँ पे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, बिकॉज हम गुरुद्वारा स्टाइल हलवा बना रहे हैं। तो बस हम इसको ऐसे ही खाएंगे। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट दानेदार हलवा बना है। और अगर दानेदार हलवा चाहिए आपको तो आप गेहूं का आटा जो होता है वो थोड़ा सा मोटा वाला भी ले सकते हैं, जो लड्डू वाला होता है वैसा। नहीं तो आप जो नॉर्मल घर में आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं आटे से, वो वाले आटे से भी बनाएंगे तो भी हलवा बहुत अच्छा बनेगा। बस आपको थोड़ा सा इसका जो ट्रिक्स है, जैसे कि मैंने बताया, अगर मेज़रमेंट परफेक्ट होगा तो बिल्कुल सेम गुरुद्वारे जैसे बनेगा। आप देख सकते हैं टेस्ट बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा है। आप कभी भी इसे घर पर बना के खा सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोग को ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।